हरियाणा की आबोहवा और दूषित ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो चुका है। यमुनानगर उपायुक्त जहां स्वयं किसानों को जागरूक करने और इस दिशा में उठाए गए प्रयासों को देखने के लिए किसानों के बीच जा रहे हैं, वहीं पराली जलाने वाले 10 किसानों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं। यमुनानगर जो एक तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा और दूसरी तरफ हिमाचल से सटा हुआ है, यमुनानगर में अभी तक पराली जलाने के 10 मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसी घटनाएं और ना हो, इसके लिए कृषि विभाग किसानों को जागरूक कर रहा है। उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई स्कीमों की जानकारी दी जा रही है। पराली जलाने के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार विभिन्न अधिकारियों के साथ किसानों को जागरूक करते नजर आए। इस दौरान कृषि विभाग द्वारा पराली को नष्ट किए जाने के लिए किए गए इंतजाम को भी उपायुक्त ने स्वयं देखा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पराली के जलाने से वातावरण दूषित हो रहा है, इस बारे में किसानों को लगातार समझाया भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों ने अज्ञानतावश पराली जलाने का कार्य किया है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वैसे किसान काफी जागरूक हो रहा है और आने वाले समय में इसके परिणाम सामने आएंगे। देखिए, आज ये खानपुर गांव पड़ता है हमारा बम्बोली के पास, वहाँ पे हमने क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का डेमोंस्ट्रेशन रखा हुआ था फील्ड में ही। तो उसके अंदर जितने भी हमारे जो इंसेंटिवाइज किया है पराली मैनेजमेंट को लेके, उनके डेमोंस्ट्रेशन की गई थी, चाहे वो सुपर सीडर हो, हैप्पी सीडर हो, रोटावेटर हो या मल्चर हो, जो हमारे स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जो लगाया जाता है मशीन के ऊपर, वो देखा, उसका डेमोंस्ट्रेशन हुआ था। तो किसानों में काफ़ी जागरूकता दिखी कि पराली को वे ना जलाएं, और जो पराली को 20-20 किलो के उसके गट्ठे भी बने थे बेलर्स के द्वारा, उन सब का भी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन आज फील्ड में रखा गया। जिले में अभी कुछ एक केसेज हमारे पास आए हैं जो अज्ञानता की वजह से लोगों ने पराली को जलाई है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। 10 चालान अभी तक कर चुके हैं और आगे आगे हमारा यही प्रयास रहेगा कि डिफरेंट IEC एक्टिविटीज़ के थ्रू लोगों को जागरूक किया जाए कि वो पराली को ना जलाएं। और आने वाले समय में नई नई तकनीक आ रही हैं कि पराली को हम विभिन्न किस प्रयोग में ला सकते हैं, उसका प्रचलन भी बढ़ता जाएगा।